इसके बाद मेरी टिप्पणी है, मतलब क्या कहा कि भारत में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, इसके लिए अमेरिका और यूरोपियन कंट्री ध्यान नहीं दे रहे हैं, यह समस्या है। ध्यान देने का मतलब क्या है, यहां हस्तक्षेप करें, यही तो हम कह रहे हैं। आज मैं राहुल गांधी की टिप्पणी दिखा दिया, राहुल गांधी ने फिर झूठ बोला कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो झूठ बोलना राहुल गांधी की फितरत हो गई है। जब भी विदेश जाते हैं, भारत के लोकतंत्र का अपमान करना, भारत की संस्थाओं का अपमान करना, भारत के जनमत का अपमान करना उनकी आदत हो गई है। और मोदी जी पर तो वो क्या क्या नहीं बोलते हैं, मेरे पास पूरी उनकी टिप्पणी है कि वो विदेश में क्या क्या बोलते हैं। भारत राष्ट्र नहीं है, राज्यों का संघ है। और क्या, हमारे लोकतंत्र पर बर्बर हमले हो रहे हैं। और क्या, पुलवामा हमला कार धमाका था, आतंकवादी धमाका नहीं था। और क्या, चीन की तारीफ की कि चीन ने प्रकृति के साथ विकास किया है, सद्भावना के साथ, ये सारी उनकी टिप्पणी। और क्या कहा, बालाकोट और पुलवामा का सेना सबूत देखा था ना, तो सेना की शहादत का सबूत राहुल गांधी मानते हैं, और चीन के अपने ट्रस्ट में पैसे लेते हैं, ये भी आप सभी जानते हैं। दिखा दीजिएगा, ये देखिए उनकी पूरी टिप्पणी सब कोर्ट पर है, कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूं। और याद करिए राहुल गांधी ने क्या कहा था कि हम लोग के फोन में पेगासिस लगा है, कहा था ना, तो क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में कहा जिस नेता को लगता है उनके फोन में पेगासिस है तो उनका फोन दे दे। तो राहुल गांधी ने अपना फोन क्यों नहीं दिया, क्योंकि फोन जाता तो फोन से क्या क्या निकलता, उसका डर था उनको, जब कार्रवाई की बात होगी तो कहेंगे नहीं। तो ये मुझे आपसे बात कहनी, राहुल गांधी को शर्म नहीं आती करप्शन की बात करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा जीवन ईमानदारी की खुली किताब है, एक धब्बा नहीं है। 9 साल से भारत के प्रधानमंत्री हैं, ईमानदारी से देश आगे बढ़ रहा है। राहुल गांधी जी भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर है, पता है ना आप लोग को, उनको भी, और संसद में मैंने यह बात कही थी, नेशनल हेराल्ड के प्रकरण में इनकी माताजी बेल पर है, ये बेल पर है, क्योंकि मात्र कुछ लाख रुपए देकर नेशनल हेराल्ड की 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी दिल्ली में, पटना में, लखनऊ में, चंडीगढ़ में, मुंबई में अपने नाम कर लिया, यंग इंडिया लिमिटेड में, जिसमें 76% शेयर राहुल जी और सोनिया जी का है, बाकी स्वर्गीय जो 36 नेता थे अब स्वर्गवासी हो गए, और पूरा नेशनल हेराल्ड का शेयर खरीद लिया। मामा कोतरोगी को किसने बचाया, राहुल गांधी जी ने बोफोर्स में, आपकी सरकार ने बताया, क्योंकि आपके परिवार से उसका संबंध था, उसको भगाने में मदद किया, दलाली के पैसे उसको छुड़वाने में मदद किया। ये पूरा आदर्श घोटाला, पूरा आपका कॉमनवेल्थ घोटाला, पूरा एयर हेलीकॉप्टर घोटाला, पूरा आपका सबमरीन घोटाला, पूरा कोयला घोटाला, पूरा 2G, राहुल गांधी जी मनमोहन की सरकार की पूरी सरकार भरी हुई है, और आपकी सरकार में जो घोटाले हुए, और आप नरेंद्र मोदी पर कीचड़ उछालते हैं। तो राहुल गांधी जी आप तो स्वयं बेल पर हैं भ्रष्टाचार के मामले में, और आप बात कर रहे हैं हमारे ऊपर, जबकि ईमानदारी से देश का काम चलता है। आज राहुल गांधी जी ने अडानी प्रकरण पर फिर कुछ बोला है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उन्होंने ये बेबुनियाद बातें फिर कही थी, बिना सिर पैर के, बिना किसी सबूत के। वो झूठ कैसे बोले, मैंने अभी आपको उसका प्रमाण दे दिया। अडानी जी को हमको डिफेंड नहीं करना है, भाजपा कभी डिफेंड नहीं करती है, लेकिन भाजपा किसी को फंसाती हुए भी नहीं है। आज राहुल गांधी जी अडानी पर बहुत बोले हैं, तो थोड़ा बहुत संक्षेप में कुछ बातें हम अडानी प्रकरण के बारे में राहुल गांधी के संदर्भ में बताना चाहते हैं। 2004 से किसकी सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार, किसके खंभे पर खड़ी थी, राहुल गांधी के खंभे पर। 2008 में यूपीए रूल में अडानी ग्रुप ने बुनियो कोल माइन इंडोनेशिया में खरीदा था, तो क्या मनमोहन सिंह गए थे, राहुल गांधी की आप गए थे। 2010 में यूपीए रूल में कारमाइकल माइन ऑस्ट्रेलिया में अडानी ग्रुप ने खरीदा था,
क्या मनमोहन सिंह गए थे 2010 में यूपी रोल में, अडानी ने 1.6 बिलियन डील डॉलर इंडोनेशियन गवर्नमेंट में रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए घोषणा किया था। और 2011 में यूपीए रूल में अडानी ने गदली माइन अबॉट पॉइंट पोर्ट ऑस्ट्रेलिया में खड़ा था। ये तो आपकी सरकार में हो रहा था, तो क्या वो बार बार आपके लोग जा रहे थे क्या साथ में? और सुनिए, उनकी सरकार में और क्या क्या हुआ है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 65,000 करोड़ का पूंजी निवेश अडानी ग्रुप राजस्थान में कर रहा है, 15,000 करोड़ का बंगाल में कर रहा है, और उसकी माइन को एक्सटेंशन मिला है छत्तीसगढ़ में 2022 में उनकी कांग्रेस सरकार में, और केरला में भी हो रहा है। तो देश के व्यापारी देश के लिए काम करें, अच्छी बात है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।